हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी जरूर करें। इससे पहले हमने ईसीसी का जो है वो दो वीडियो जो है वो आप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो है वो तीसरे वीडियो पे जो है वो तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ईसीसी का जो है ये पहला प्रयास का जो पूरा का पूरा सिलेबस है और ये 12 किताबों का जो है वो जो है हेडिंग है। मार्च में पहली किताब है मैं और मेरा परिवार, अप्रैल में दूसरी किताब है हमारा शरीर, मई में तीसरी किताब है मौसम और वातावरण, मई माह में हमने ये वाली किताब फॉलो करनी है, जून में हमारा भोजन है, जुलाई में पशु पक्षी और कीट हैं, अगस्त में हमारा परिवेश है, सितंबर में पेड़ पौधे हैं, अक्टूबर में गांव के संस्थान वाद्य यंत्र और त्योहार है, नवंबर में फल सब्जी है, दिसंबर में संचार के साधन घरेलू उपकरण है और जनवरी में जो है वो हमारे सहायक है और फरवरी में जो है वो यातायात के साधन है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपको ये किस महीने का क्या टॉपिक है ये पूछा जा सकता है, पर ये कोई मतलब गारंटी नहीं है कि हाँ, मतलब आज तक कभी ऐसा पूछा नहीं गया क्योंकि एक रटने वाला है, लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को नियमित रूप से तो ये आपको याद होगा, ये पूछा जा सकता है। मार्च में ये पहला जो है हमारा माह जो है वो शुरू होता है, तो ये चीज जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है ये हर महीने की एक अपनी प्रार्थना है, स्कूल में जो कराई जाने वाली आंगनवाड़ी स्कूल में एक प्रार्थना है, जैसे मान लीजिए तुम ही हो माता पिता है तुम ही हो, तो वो 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक वही प्रार्थना करवाई जाएगी। अगर आपने उसमें देखा है तो जो आप खोलेंगे बुक तो उसके पहले पेज पे वो प्रार्थना दी होगी, उसके बाद फिर वो प्रार्थना जो है वो आपकी रिपीट नहीं होगी। इस तरह से जैसे भोजन जब हम 1:45 से 2 बजे लिखा है या 2:45 से 3 बजे का जो टाइम है जो भोजन का है, 1:45 से 2 बजे का जो टाइम है भोजन का, तो उस भोजन के टाइम में भी जो है वो खाना भोजन से पहले जो एक छोटी सी प्रार्थना है वो भी करवानी है, वो सब इसमें दिया हुआ है। आगे हम चलते हैं इसके टाइम टेबल के ऊपर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम टेबल। इसमें कुछ गलतियां हैं वो आपने ध्यान रखना है, मैं आपको वो बता देता हूं। सबसे पहले तो हम 10 से 10:30 बजे की बात करते हैं, हमने क्या गतिविधि करनी है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अभिवादन है, स्वच्छता जांच है, व्यायाम है, प्रार्थना है, राष्ट्रगान है, देश प्रेम का जो गीत है, कुछ भी करवा दिया जा सकता है। ये 10 बजे से 10:30 बजे तक का टाइम है, यहाँ पे चेंज है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आ जाए। यहाँ पर जो है नाश्ता का वितरण और उपस्थिति दर्ज करना, ये 10:30 से 10:45 का टाइम है, 45 मिनट का टाइम नहीं, सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। यहां से फिर सारा टाइम टेबल आपका आधा आधा घंटा जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। ये नाश्ता वितरण और उपस्थिति दर्ज कराना ये है 10:30 से 10:45, फिर 10:45 से 11:15 बजे तक विषय वार्तालाप, इसके बारे में मैं अभी दोबारा से आऊंगा, 11:45, फिर ये 11:15 से 12:45 तक बौद्धिक विकास है, ठीक है, 11:45 से 12:15 तक शारीरिक विकास है, भाषा का विकास जो है वो 12:15 से 12:45 है, सृजनात्मक विकास जो है वो आपका 12:45 से 1:15 तक है, और सामाजिक विकास जो है वो 1:15 से 1:45 तक है। और फिर यहां पर जो 1:45 से 2 बजे लिखा है ये सामाजिक और भावनात्मक विकास नहीं है, ये है आपका जो भोजन का समय है, यहाँ पे आपको भोजन दिया जाएगा। ये आपका टाइम टेबल जो है आप देखेंगे जब महीने की किताबें हैं तो वहां पर ये ठीक हो जाएगा। तो ये आपका समझ आ गया, भोजन देने का समय 1:45 से 2 बजे तक है, सामाजिक और भावनात्मक विकास का टाइम ये है, सृजनात्मक विकास का टाइम ये है, भाषा का विकास का टाइम 12:15 से 12:45, शारीरिक विकास का टाइम 11:45 से 12:15 और बौद्धिक विकास का टाइम 11:15 से 11:45 और विषय वार्तालाप का टाइम है 10:45 से 11:15, ठीक है, ये आ गया समझ। दूसरा, शनिवार को अगर आप देख सकते तो शनिवार का अपना कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन है, पूरे हफ्ते की जो है सोमवार से शुक्रवार की गतिविधियों का रिवीजन जो है वो शनिवार को किया जाएगा, ठीक है। तो स्वागत गीत, अभिवादन, स्वच्छता जांच, व्यायाम, प्रार्थना, ये 10 से 10:30 बजे आंगनवाड़ी में करवाया जाएगा। 10:30 से 10:45 तक जो है वो नाश्ता दिया जाएगा, साथ ही साथ अटेंडेंस की ली जाएगी। उसके बाद हमने विषय में जाना है, हर महीने का एक विषय है, उसको फिर सप्ताह के विषयों में डिवाइड किया गया है, वो हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है, और सप्ताह के विषय को फिर डेली विषय, मान लीजिए महीने का विषय मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, हम एक मान लीजिए के बजाय हम एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, मान लीजिए जैसे हमारा शरीर है, ये अप्रैल माह का जो है टॉपिक है, पहले हफ्ते का शरीर है सिर के अंग, दूसरे हफ्ते का है धड़ के अंग, तीसरे है स्वच्छता, चौथे है हमारे कपड़े। तो अब जो हमारे सिर के अंग है उसमें सिर, नाक, कान, आंख, दांत है,
इसके जैसे सोमवार को, पहले हफ्ते के सोमवार को हम सिर पढ़ेंगे, फिर पहले हफ्ते के सोमवार, पहले हफ्ते के मंगलवार को हम नाक पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर ये जो पांचों बुध शुक्रवार को दांत पढ़ेंगे, और ये जो सोमवार से शुक्रवार की गतिविधियों का रिविजन यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर दूसरे हफ्ते के जो सोमवार को हम जो है वो, तो यहाँ पर जो है 4 वीक का है जो है हमारा पूरा महीने का सिलेबस है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने पूरे महीने को जो है वो 12 महीनों में डिवाइड किया, 12 महीने को जो है हमने 48 हफ्तों में डिवाइड किया, जबकि साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्ते में जैसे बीच बीच में वो आता है ना आपका कि अगर किसी हफ्ते का टॉपिक वो अगले हफ्ते में रिवाइज हो जाएगा, फिर वो उस हिसाब से 4 हफ्ते एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हफ्ते हफ्तों को 48 हफ्ते, और फिर 48 एक हफ्ते में हमें 5 दिन टॉपिक डिसाइड किए हैं, शनिवार को तो रिवीजन है, सोमवार से शुक्रवार, यानी कि 48 को अगर हम 5 से गुना करें तो 240 दिन का टॉपिक जो है हमारे इस आंगनवाड़ी केंद्र में है, और इसके अलावा हमारे 48 दिन वो रिवीजन के चले जाएंगे, 48 दिन प्लस जो और दिन होंगे, यानी 300 दिन आंगनवाड़ी में 240 दिन तो हमारे जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ाए जाएंगे, 48 दिन रिवीजन प्लस 12 दिन जो और एक्स्ट्रा होंगे वो भी रिवीजन के लिए, यानी कि 60 दिन जो है वो टाइम टेबल में रिवीजन के लिए जो हमारा टॉपिक छूट गया उसके लिए है, ठीक है। तो ये आ गया, हमें पता लग गया 12 महीने 48 हफ्ते और 240 विषय। तो ये विषय वार्तालाप जो है वो 10:45 से 11:15 तक होगा, ठीक है। वो यहाँ पे उसी टॉपिक के ऊपर हमने फोकस रखना है, अगर जैसे पौधे हैं तो महीने का विषय है, फलदार पौधे हैं तो हफ्ते का विषय है, उसमें आम है सोमवार का विषय, तो उस दिन हमने आम पे ही फोकस रखना। तो ये सारी गतिविधियां जो है, बौद्धिक विकास पहला, शारीरिक विकास दूसरा, भाषा तीसरा, सृजनात्मक चौथा, और सामाजिक भावनात्मक विकास ये पांचवा, ये सारी गतिविधियां जो है हमने उस पे ही फोकस रख के करनी है। तो बौद्धिक विकास में अब अगर हम यहाँ देखें तो इंद्रियों का विकास पूछ सकते हैं कि सोमवार को हम बौद्धिक विकास कैसे कराएंगे, तो इंद्रियों के विकास के द्वारा, जिसमें पहले सोमवार को जो है वो ऑडियो विजुअल, जिसको श्रव्य दृश्य, कान से सुनना और देखना, ठीक है। दूसरे सोमवार को हमने स्पर्श और गंध के द्वारा करना है, तीसरे को श्रव्य और दृश्य के द्वारा, चौथे को स्पर्श और स्वाद के द्वारा करना है, ठीक है। फिर मंगलवार को बौद्धिक विकास कैसे कराएंगे, रंगों को ज्ञान के द्वारा करवाएंगे, आकार का ज्ञान बुधवार को है, वीरवार को पूर्व संख्या बोध है, क्रमबद्ध सोच, पजल, याददाश्त, वैज्ञानिक अनुभूतियां जो है वो आपकी शुक्रवार को है। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई बौद्धिक विकास का टाइम क्या है, और इस दिन जो है मंगलवार को कैसे कराएंगे, बुधवार को कैसे कराएंगे, ठीक है। इसी तरह से शारीरिक विकास, चलना संतुलन बनाना सोमवार को है, मंगलवार को भागना दौड़ना है, उछलना कूदना बुधवार को है, रेंगना लुढ़कना वीरवार को है, गेंद का खेल शुक्रवार को है, ठीक है। ये सारे फिर रिवीजन हो गया। भाषा का विकास में मैं आपको बता दूं, हर हफ्ते की एक कविता एक पहेली है, वो पूरे हफ्ते रिपीट, सोमवार से लेके और शनिवार तक जो है वो, शुक्रवार तक तो चलेगी, शनिवार को तो वही रिवीजन हो जाएगा। तो यानी कि 48 कविताएं जो हैं वो इसमें और पहेलियां जो हैं इस ईसीसी के सिलेबस में शामिल है। हर हफ्ते की एक कविता है, तो यानी सोमवार से अगर, यानी अपनी मर्जी की नहीं करानी है कविता वही करानी है जो सिलेबस में है, और वो सोमवार से लेकर शनिवार तक करानी, ताकि बच्चे को याद हो जाए, ठीक है। तो ये भाषा के विकास में कविता पहेली है, एक हफ्ते की एक है। साथ में फिर सृजनात्मक विकास में सोमवार को रंग भरना चित्रकला है, छापना पेंटिंग मंगलवार को, फाड़ना चिपकाना बुधवार को है, पिरोना छांटना वीरवार को है, मिट्टी का खेल, मिट्टी पानी का खेल जो है वो आपका शुक्रवार को, अगर ये इसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं। फिर कहानी जो है वो हर हफ्ते की, जैसे कविता एक है उसी तरह से हर हफ्ते की कहानी। सिर्फ प्रार्थना जो है वो पूरे महीने में एक है, और जो खाना खाने के 1:45 से 2 बजे जो भोजन का टाइम है वो भी एक है, पर वो कई बार रिपीट भी हो रहा है कई महीनों में ना। कहानी भी हर हफ्ते की एक है। तो करनी कैसे है, हर कहानी प्रत्येक सप्ताह की एक नई कहानी शुरू करनी है, सोमवार से शुरू करेंगे, और साथ ही साथ पिछले हफ्ते की कहानी को एक बार पूछ भी लेंगे बच्चों से, कविता के साथ भी ऐसे ही करना है। तो कहानी अलग अलग तरीकों से करानी है, कहानी एक ही चलेगी पूरे हफ्ते, सोमवार को स्टोरी द्वारा, मंगलवार को फ्लैश कार्ड द्वारा, बुधवार को कठपुतली द्वारा, वीरवार को अभिनय या नाटक द्वारा, और जो है उसके बाद शुक्रवार को वो मुखौटों के द्वारा जो नाटक किया जाएगा, और फिर वो शनिवार को उसका जो है वो रिवीजन है। तो इस तरह से हमारा टाइम टेबल है, टाइम टेबल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं, हम क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव वो लेके चल रहे हैं ईसीसी का, तो हम हर सिलेबस को जो है वो ज्यादा से ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, अगर कहीं कुछ छूट गया, क्योंकि अगर हम थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो फिर उतना ही याद रहेगा और ज्यादा नहीं है। तो आप इसमें से जो पॉइंट है आप इसको, टाइम टेबल को जरूर अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, इसमें कुछ ये टाइम चेंज कर लेना,
ठीक है, इसके हम कौन कौन से विकास करवा रहे हैं, बौद्धिक, शारीरिक, भाषा, सृजनात्मक और सामाजिक और भावनात्मक। सामाजिक भावनात्मक विकास में 1:15 से 1:45 तक हम कहानी कराएंगे, सृजनात्मक हमारा जो है 12:15 से 1:15 के बीच में है, ठीक है। भाषा विकास में हम कविता और पहेली कराएंगे, ऐसा नहीं कि भाषा विकास में आप कहानी कराने लग जाओ, ठीक है। और बौद्धिक विकास में फिर ये सोमवार को इंद्रियों का और मंगलवार को रंगों का, आकार का, फिर पूर्व संख्या बोध वीरवार को, और ये ठीक है। फिर हर हफ्ते की महीने का टॉपिक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि माह का टॉपिक क्या है, ठीक है। अगर आप देखें भी तो इस टॉपिक को जो शुरू किया गया है वो मार्च से शुरू किया गया, यानी पहला महीना मासिक विषय मैं, मेरा परिवार, फिर हमारा शरीर, मौसम, वातावरण। कई जगह किताब के बाहर गलत छपा हुआ है, जो जैसे मान लीजिए मार्च की किताब है या हो सकता है जून की किताब है, तो बाहर हेडिंग कुछ और है, अंदर कुछ और है। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हैं, वो आपने देख लेनी है स्टैंडर्ड बुक के साथ। तो ये हमारा जो है ECC का पार्ट 3 था, जो मैंने आपको बताना था जितना पॉइंट है इसमें, क्योंकि अलग से कुछ एक्स्ट्रा इसमें जानकारी कुछ नहीं है। हाँ, वो बता दिया कि कोई भी टॉपिक जो है वो 1 तारीख से ना शुरू होकर पहले सोमवार से शुरू होगा और चौथे सोमवार के शनिवार को खत्म हो जाएगा, चौथे हफ्ते के शनिवार को जो है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर दिन बचते हैं तो रिवीजन होगा, और अगर नए महीने का कोई 2-4 दिन अगर वो सोमवार नहीं है तो फिर नया टॉपिक नहीं शुरू होगा। अगर मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार है तो फिर वो पहले हफ्ते का सोमवार से शुरू होगा। बाकी ये हमारा ECC का टोटल सिलेबस है, ठीक है। बाकी जल्दी ही हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो जो है नए टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे।